दोस्तों मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ और न्यू MIUI सिस्टम ऐप अपडेट। तो ये जो अपडेट हैं ये देखने को मिले हैं मी क्लीनर, मी हेल्थ और ऐप वॉल्ट के अंदर। तो इनमें क्या कुछ चेंज देखने को मिला है और कैसे आप इन्हें MIUI 11 रनिंग मोबाइल में यूज कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मी हेल्थ एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें एक नया वर्जन देखने को मिला है 2.6.3। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ चेंज देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब मी हेल्थ में जाते हैं आपको ब्लड प्रेशर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको स्लीप का ऑप्शन देखने को मिलता है और आपके स्टेप्स का ऑप्शन है, यहाँ पर स्टैंडिंग टाइम का ऑप्शन है। इसी तरह से बॉटम में देखेंगे आपको हार्ट रेट का एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप अपनी जो हार्ट रेट है उसे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। डे, वीक और मंथ वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपने एंट्रीज किए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने मैनुअली एंटर किया है, 75 मेरी हार्ट रेट है और यहाँ ओके कर दिया। तो ये अब जो है वो कुछ इस तरह से आपको विजुअल में देखने को मिलेगा कि हार्ट रेट आपका यहाँ पर 75 है और जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 75 BPM है। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज होंगी उतना एक्यूरेट यहाँ पर आपको विजुअल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ काफ़ी अच्छा फीचर है मी हेल्थ के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट जो कि देखने को मिल रहा है ऐप वॉल्ट के अंदर। इसका वर्जन है 12.5.2 और इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जाते हैं ऐप वॉल्ट में। तो ऐप वॉल्ट में आपको ये तो देखने को मिलता ही है, वेदर, आपको वेदर कंडीशन दिख जाती है, फिर शॉर्टकट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको वही एडवांस टूल्स देखने को मिलते हैं, कैलेंडर इवेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तो आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी, पर यहाँ पर जो बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टैब का लेआउट दिया गया है, मतलब टैब वाइज आप न्यूज पर पहुँच सकते हैं और टैब वाइज आप यहाँ पर गेम पर पहुँच सकते हैं। तो ये कुछ चेंज देखने को मिला है ऐप वॉल्ट के अंदर। अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की जो कि देखने को मिला है ग्लोबल क्लीनर एप्लीकेशन 4.2.6, इसका वर्जन है। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद अगर आप जाएंगे इसके अंदर तो आपको कोई स्पेशल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर आप सेटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो क्लीन मास्टर की डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही कुछ चेंज थे जो कि देखने को मिले हैं मी क्लीनर, मी हेल्थ और ऐप वॉल्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेके आता रहता हूँ।